हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम मस्त ज़बरदस्त हूँ। और आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है मॉर्निंग के 8 बजे से। और नाश्ता नहीं हुआ है अभी, मम्मी बना रही है। मम्मी जा रही राशन के लिए और मेरे पापा चले गए फिर से हल्द्वानी को, क्योंकि पसेंजर थे फिर वहाँ से कल भी है आने के लिए। तो ब्लॉग शुरू करने से पहले रोज़ की तरह आप लोगों को आज का मौसम दिखाते हैं, फिर आगे को ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। ये रहा शेरू। शेरू क्या कर रहा तू? खुश रहना, जीते रहना, खूब बड़ा हो जाओ, जल्दी से अकल आ जाए तुम्हें। क्या कर रहा तू? उठ गया तू? उठ गई? उठ गया? उठ गया? तो दोस्तों मैं जा रही हूँ रोड में और पापा की गाड़ी है नीचे, इधर है। तो पापा बिल्कुल गए क्योंकि वहाँ से 2 पैसेंजर हैं हल्द्वानी जाने के लिए। तो मुझे जाना है पानी का जर्किन लेने, अम्मा लोगों का पापा भरने के लिए ले गई हैं। तो बोल रहे थे बल्कि रोड में आ जाना, तो मैं चलती हूँ। पापा की गाड़ी रुक चुकी है वहाँ पे, आगे को आई नहीं रही, पहले उधर को नीचे को थी, अब ऊपर को है। और दरवाजे तो खुला है बट आ नहीं रही है, पता नहीं क्यों। रुकते हैं थोड़ी देर यहीं पे। ये रहा चौपाता और इधर से मतलब मुआनी के लिए रास्ता भी है। मैं पिथौरागढ़ के लिए पुल बन चुकी है मुआनी में इसी वजह से। तो यहाँ से मुआनी टू हल्द्वानी वाली डेली सर्विस की बस लगी है, तो वो भी चले गई है। उसका टाइमिंग भी यही है, 8:30 में वो यहाँ से निकलती है बजैन से, और फिर बेरीनाग से 9:30 में निकल जाती है और हल्द्वानी बहुत लेट पहुँचाती है। और इधर को आधे टाइम वो यहाँ बजैन में 4:30-5 बजे उतारती है। तो वो बस भी जा चुकी है यहाँ से। दोस्तों मम्मी भी आ गई है राशन से, और इसमें चावल और सब लोग बोल रहे हैं, बल्कि इस बार चावल प्लास्टिक के आए हैं। तो देखते हैं दिखने के कैसे हैं ये चावल। तो हम खाएंगे तो नींद को, वो प्लास उसके लिए हो जाएगा यूं के लिए। वैसे तो चावल बहुत अच्छे आए हैं बट बोल रहे हैं बल्कि जब इनको पका रहे थे ऊपर भी पता नहीं तल जैसा, पता नहीं क्या बोल रहे हैं। तो चेक करेंगे इनको पानी में देख के एक बार, लग तो रहा है वैसे प्लास्टिक जैसे ये कोई कोई। दोस्तों आज भी बंदरों का आतंक हो गया है, कल इसी रोड से उधर को गए थे, आज इधर को आ गए, देख सकते हैं आप लोग, दिख रहे हैं यहाँ पे से भी। ये बंदर कैसे जाएंगे यहाँ से हमें समझ नहीं आ रहा है। हाँ हाँ रुक जा, भी जाएगा तू, भगाता तो है नहीं, खाली हुआ। और ये शेरू हमारा बंदर भगाता नहीं, उनके साथ खेल करने में लगे रहता है वो, देख सकते हैं इतने सारे बंदर आ रहे हैं वहाँ से। वो कल इतने सारे आ गए थे शाम को और आज भी आ गए हैं। नीचे को चले जाते तो सही रहता है, ऊपर को नहीं आनी चाहिए ना, नहीं तो हम कैसे भगाएंगे। कुछ खा रहे हैं वहाँ पे बैठ के, पता नहीं क्या खा रहे हैं, अभी भी आने में ही लगे हैं। तो दोस्तों सारे बंदर इस रोड से वहाँ से घूम घूम के फिर रास्ते ही रास्ते नीचे पहुँच चुके हैं। अब पता नहीं वो रोड ही रोड कहाँ जा रहे होंगे, फिर भेमुनी जाएंगे फिर हमारे वहाँ आएंगे अभी। दोस्तों मम्मी लाई है वाले दुकान से वाली टॉफ़ी मेरे लिए और शेरू के लिए। मैंने बोला था कुछ खाने के लिए लाना, तो कह रही तेरे पास उतना है तो मेरे पास टॉफ़ी ले आना फिर। तो मम्मी वाली टॉफ़ी लाई था ना, कितने 3, 6, 9, एक उसने खा ली होगी, तो एक शेरू को दे देती हूँ और एक मैं खा लेती हूँ। तो दोस्तों खाना खाने का टाइम भी हो चुका है और खाने में आ जाए चावल दाल और ये मिर्ची दे बोला तो ये पता नहीं क्या दे दिया इसने, अजवाइन का डब्बा और है इसके साथ नींबू। और हमारे घर में मिर्चियाँ खत्म हो गई, अगर किसी के घर में मिर्ची होगी तो प्लीज़ यहाँ बिल्कुल में भेज देना मेरे लिए, ये मसाला खाते हैं अभी। दोस्तों सीधा मिल रही हूँ चाय के टाइम पे और मैं पी रही हूँ अभी चाय और खाते हैं इसके साथ कुछ। तो दोस्तों सीधा मिल रही हूँ आप लोगों को शाम को, क्योंकि यार सुबह से हल्का फुल्का क्या मतलब काम हो ही जा रहा था। और क्या क्या काम हो रहा था आप लोगों को दिखाते हैं और फिर चलते हैं ऊपर किचन में, और मम्मी क्या कर रही है वो भी दिखाते हैं और शेरू से भी मिलाते हैं। और मौसम ख़राब होने लग गया है, मौसम भी दिखाते हैं आप लोगों को। सुबह से मेरे काम यही हो रहे थे, मतलब पहले इसको सेट किया क्योंकि पुराना था ना, फिर इधर वाइट किया इधर रेड किया, क्योंकि इसमें रेड से देंगे इसमें वाइट से देंगे। और उतने में अभी हमारा बच्चा है का रेड वाला ख़त्म हो चुका है, तो कल पापा दूसरा लाएंगे। और एक दिल्ली नीचे दिल्ली में भी हल्का हल्का सफ़ेद और हल्का लाल कर रखा है, उसमें कल अच्छे से देंगे उधर तक और नीचे को तो है। और मौसम हो गया कुछ ऐसा, हवा चल रही है इसमें देख सकते हैं आप लोग, बहुत प्यारी हवा चल रही है।
लग गई आग रात की। सब्जी क्या है? आलू आलू टमाटर की सब्जी है और सुबह पराठे बनने वाले हैं। तो दोस्तों सेरू रहा ये और ये बैठा आराम से। क्या कर जाऊ, क्या कर रहे है? अरे हम जी बैठा है, हमने बिस्तर में क्यों नहीं जा रहे है? हमने बिस्तर में जा, अपने बिस्तर में जा, अपने बिस्तर में। ये काटने के अलावा कुछ काम भी है तेरा, पागल जैसा। तो दोस्तों मैंने बना ली है चाय और मम्मी और मैं पी रहे हैं यहाँ पे चाय और खा रहे हैं साथ में ये आलू भुजी और प्रसाद है सुनडबा लेके आई है और खा रहे हैं इसके साथ कुरकुरा। कैसा हो रहा है ये? मस्त और इसको भी खाते हैं फटाफट से और पीते हैं गर्मा गर्म चाय क्योंकि आज बहुत थकान जैसी लग गई है। तो सेरू और माँ आ चुके हैं बाहर इन प्यारे प्यारे सरसों के खेत में। चल तो थोड़ी देर उधर तक घूम के आते अपने बवंडर घर तक फिर चलते हैं अंदर फटाफट। तो दोस्तों अभी सेरू और मैं खा रहे हैं पेड़ा। खा रहा तू भी? ये कल पापा पता नहीं कहीं से लेके आए थे तो पापा तो अपना लालू के खाते हैं नहीं तो हमें खाना हुआ है, हम खा लेते हैं फटाफट। तो दोस्तों हमारे घर पे लाइट नहीं है और किचन में चार्जिंग वाला बल्ब है तो खाना बन गया है। आलू टमाटर की सब्जी मट्ठे वाली, मीठा दलिया बनाया है और रोटी है और रोटी के साथ मिर्ची मुझे दूसरी दे तो ये अजीब सी हो रही। तो दोस्तों खाना पीना भी हो चुका है और लाइट भी आ गई है क्योंकि चली गई थी लाइट तो हमने सोचा नहीं आएगी बट आ गई है। तो आज के ब्लॉग को भी इतना ही रखते हैं। तो आई होप आप सबको मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ दोस्तों आप लोगों को पता ही है लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में बहुत जल्द, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। तब तक के लिए बाय बाय।